शामली जनपद में कार सवार अज्ञात चार बदमाशों ने लाइव फायरिंग की, जिसमें दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। अज्ञात चारों बदमाश कार में सवार होकर रेत खनन स्टॉक पर पहुंचे थे। पहुंचते ही अज्ञात बदमाशों ने रेत स्टॉक पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। स्टॉक पर सो रहे दो युवकों को बदमाश की गोली लगी। दोनों युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर हो गए फरार। हालांकि हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना का लाइव वीडियो रेत खनन स्टॉक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एएसपी शामली संतोष कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात बदमाशों की तलाश में टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये थाना झिंझाना में बिडौली चौकी है, इससे 3 किलोमीटर बगल में ये स्टॉक प्लेस है, जहाँ पे रात में करीब 2:30 बजे के आसपास चार बदमाश आए हैं, जो उन्होंने हवा में फायरिंग करी है, रसद फैलाया है और उसी के दौरान दो व्यक्तियों को एक के जांग में और एक के कंधे पे गोली लगी है, जिनकी हालत सामान्य है। उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से मेरा रेफर किया गया है। थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी शामिल अभियुक्त थे उनकी तलाश टीमें लगी हुई हैं, तलाश की जा रही है, तेज कार्रवाई प्रशिक्षित है।